हे गाइस, आज मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ छोले कुलचे की रेसिपी, जो ना दिल्ली की समझ लो एक तरीके से फेवरेट है, और फेवरेट के बेस्ट बेस्ट स्ट्रीट फूड में आती है ये। और इसे बनाना भी इजी होता है, बस इसके मटर में जो है खासियत होती है। अच्छा, मैंने जो मटर लिया है उसे मैंने 5 घंटे भिगो के रखा था, फिर बॉयल कर लिया, और बॉयल करने के बाद ये इतना बॉयल हो गया। अब मैंने इसमें प्याज काट के डालूंगी, मीडियम साइज़ की प्याज काट के डाल दी। फिर हमने इसमें ना टमाटर डालना है, टमाटर भी कट के डाल दिए। और फिर क्या डालना है इसमें, हरी मिर्च, तीखा ज़रूरी होता है ना, तो बस हरी मिर्च डाल देंगे, एक डाल दें, एक प्याली हम बनाएंगे तो ज़्यादा नहीं बना रहे, बस एक ही डाल दें, काफ़ी है। थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे ऊपर से। और स्पेशल ये मसाला है, ये मसाला जो है मैंने अभी जो इमली और गुड़ की चटनी बनाई थी वही वाला मसाला है ये। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और ये इमली का पानी है, 2 चम्मच काफ़ी है। और साथ में जो मैंने गुड़ वाली चटनी जो अभी रिसेंटली डाल रखी है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, तो वही मैंने डाल दिया 1 चम्मच। और बस इसे मिक्स करना है, और ये बिल्कुल तैयार है। और छोले कुलचे की बात हो रही है, तो साथ में कुलचे हम ना बनाएंगे नहीं, कुलचे हम ना रेडीमेड ले लेंगे, हार्वेस्ट के बिटारिया के सबके आते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं वो, तो आप ले सकते हैं वो वाले, तो मैंने यहाँ पर वही लिया है। बस इसे ना तवे पे गरम कर दिया है, अच्छे से गरम करने के बाद अब मज़ा इसका तभी आता है जब ऊपर से बटर लगा होता है, खूब यम सा ढेर सारा बटर लगा होता है। तो मैंने इसे अभी ऐसे ही सेका है, और उसके बाद हम प्लेट में अपने, अच्छा हम जो खा रहे हैं छोले कुलचे तो दोने में निकालें तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसका स्वाद तो जो मार्केट जैसा लुक है और क्या बोलते देखेंगे तो हम बहुत ही लगेगा कि हाँ हम बाज़ार से खा रहे हैं। तो यहाँ मैंने कुलचे में बटर भी डाल दिया, और मेरे छोले भी तैयार है, बहुत यमी है। अगर आप चाहें तो ऊपर से नींबू एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, मैंने क्योंकि इमली का पानी डाल रखा था इसलिए मुझे नींबू की डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं खा के दिखाती हूँ, वो सब्र नहीं हो रहा भाई, बहुत ही, मैं एक बार ज़रूर ट्राई करेगा। और जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कर देना प्लीज़ यार। दूसरी रेसिपी के साथ जल्दी आऊँगी, बाय एंड टेक केयर।